हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्की रेखवाल। फ्रेंड्स, आज हमारे यहाँ मक्का मड़ाई हो रही थी तो मैंने उसकी एक वीडियो बना ली। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं, ये लिफ्ट वाली मशीन है। ये देखिए, लिफ्ट द्वारा मशीन से मक्का ऊपर जा रही है। और ये देखिए फ्रेंड्स, पीछे से ये मक्का के दाने निकल के जो ये जैसे खड़े बसते हैं, ये बाहर को आ रहे हैं। फ्रेंड, मैंने इस ट्रैक्टर की वीडियो पहले भी बनाई हुई है अपने चैनल में। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये कितने अच्छे से मड़ाई कर रहा है। स्पीड भी अच्छी खासी है। और देखिए, पराली निकल रही है मक्का की साइड को। ये देखिए, एक साइड से एयर आने का है और एक साइड से पराली निकल रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, फोर्ड 3600 पुराना ट्रैक्टर है हमारा। और फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी नई वीडियो डालूं तो उसको उसका नोटिफिकेशन आपको एक मिल जाए। और देखिए फ्रेंड्स, इस मशीन को 575 DI चला रहा है। कितनी शानदार तरीके से चला रहा है। देखिए, ये ट्रैक्टर की किसान भाइयों बहुत मांग है। और फ्रेंड्स, आजकल हर जगह ये ट्रैक्टर बहुत दिखाई देता है। और इसकी सोच देखिए कितनी अच्छी है, बहुत बढ़िया लगता है देखने में भी। देखिए फ्रेंड्स, मशीन देखिए, काफ़ी शानदार मशीन है। पूरी सेफ्टी दी गई है, चक्के पूरे अंदर दिए गए हैं इसके। तेरह 6x28 के टायर हैं इसमें, पिछले ये के टायर्स के हैं। महिंद्रा 575 DI भूमिपुत्र। और ये हमारा फोर्ड। ये ट्रैक्टर की किसान भाइयों बहुत मांग है। और फ्रेंड्स, ये ट्रैक्टर फ्रेंड्स 4 सिलेंडरों के साथ आता है। फ्रेंड्स, ये मशीन के बहुत फ़ायदे हैं किसान भाइयों के लिए, क्योंकि पहले से किसान भाइयों को बहुत दिक्कत हुआ करती थी। छोटी सी मशीन होती थी, वो गुट्ठल भी एक साथ रखती थी और पराली भी उसके साथ ही रखती थी, दोनों को अलग अलग करना पड़ता था। पर फ्रेंड्स, अब पराली अलग निकलती है और गुट्ठल भी अलग निकलता है, तो उससे टाइम की बचत होती है। और फ्रेंड्स, ये देखिए आप, ये मक्का है और ये हमारी जैकेट ट्रॉली है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी लिफ्ट कितने अच्छे से मक्का ऊपर को जा रही है। इसमें थोड़ी सी खराबी है, लेकिन उस बार ये उतना नहीं गिरा रही है। ये लिफ्ट से जब ये ऊपर चढ़ती है तो वहाँ से मक्का नीचे गिर जाती है। यहाँ पे से देखिए, यहाँ पे से मक्का नीचे गिर जाती है, जाम लग जाता है अगर ज़्यादा डाल दें तो। इसे थोड़ा सही करा जा सकता है या फिर जैसे धीमा डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये देखिए, महिंद्रा 585 DI 4 सिलेंडर के साथ। और ये देखिए, महिंद्रा का ही 11 वेटर 14 के टायर के साथ है। ये नविंदा है। और फ्रेंड्स, ये रहा स्वराज 735 FE 13 के टायर के साथ है। ये हमारा पुराना ट्रैक्टर है, ये भी 1999 या ऐसे ही कुछ है। ये मॉडल बोला में चलता है, ये बोला रजिस्ट्रेशन है इसका। ये ट्रॉली भी इसी की है। ये देखिए फ्रेंड्स, महिंद्रा का रोटावेटर 11 वेटर। धन्यवाद किसान भाइयों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़।